इसकी राइड कैसी रहेगी आपको पता है? इसका एवरेज क्या है? इसका एवरेज भाई मतलब हमारी बाइक से तो काफ़ी ज़्यादा है भाई, सच बता। 500 के पेट्रोल में 6 दिन 7 दिन चल जाती है। कितना 500 के पेट्रोल में कितना चलेगा? 500 में एक महीना, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। वंस अगेन डे नया है भाई। क्या आपको पता है एक्टिवा के अंदर कितना प्रेशर होना चाहिए टायर में? बेसिकली अभी मैं जा रहा हूँ एक्टिवा को देने के लिए मामा को, एंड जाते जाते कुछ बातचीत करते हैं। तो फिलहाल तो एक्टिवा के एयर प्रेशर की बात कर ले तो भाई आगे भी 22 PSI होता है और नीचे 36 अप्रोक्स PSI होता है, मतलब टायर के अंदर एयर प्रेशर। ये इसकी बेसिक सी नॉलेज है, मतलब टायर कितना प्रेशर होना चाहिए एक्टिवा में। बाकी एक्टिवा चलने में बहुत मस्त है, ठीक है। अभी फिलहाल कुछ काम है, मामा लेके जाएंगे, आज का रिव्यू तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ आज मैं बाइक एक्सचेंज करके और बाइक लेके आता हूँ, एंड देन फिर हम राइड पर निकलेंगे। तो वेल गाइस, अभी हम जा रहे हैं जितना के बाद, वहाँ पे उसका मैच है, वहाँ पे जाएंगे। एंड नॉर्मल चीज़ है भाई, एक्टिवा मैंने हैंडओवर कर दिया था मामा को, एंड नाउ अभी हम निकल चुके हैं। सो अंडर एज के पास मैच है, चलो चलते हैं वहाँ पे और मिलते हैं वहाँ पे जाके। देखो गाइस, मैच चल रहा है गाइस, बूम बूम एवरीबॉडी हियर। बैटिंग चल रही है कि बॉलिंग चल रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम सर भी नहीं पहुंचे, कौन ज़्यादा खेलने में? हाँ वही हूँ ना, वही कौन कौन ये ज़्यादा वही ना बोला भाई नाला, कौन बोलता है बॉलिंग? नहीं भाई, विजय को गलत फहमी बहुत होती है। फिलहाल वैसे बैटिंग की इनिंग चल रही है कि क्या चल रही है कुछ पता ही नहीं है। घर देखो गाइस कितने मस्त है। किस्मत ही खराब है विजय, क्या लगता है? नहीं क्रिकेटर नहीं बन पाएगा वो, ये बात तो सही है। ऐसा नहीं बोलते कि चुगैर खराब लगता है यार। मैं जीत तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ वैसे मैं भी यूट्यूबर नहीं बन पाऊँगा, बात ये भी सही है। गाइज मुझे यार अभी पता चला, कन्फ्यूजन दूर हो गई, अभी फील्डिंग आई है, गधे की तरह दौड़ाएंगे इसको, दौड़ दौड़। ये देखो भाई फील्डिंग कर रहा है, वो ब्लू टी शर्ट और वाइट रुमाल बांध के ब्लू कलर की टोपी पहना है ना, वही है। दूसरे बॉल पर आउट हो गया। छी, इनको भी चैन नहीं है। भौंक लो भौंक लो, तुम भौंक लो। यहाँ प्लेयर्स ने पैसा खा रखा है गाइज, साफ साफ पता चल रहा है। भाई ढोलू वोलू की तरह कर रहे हैं, बॉल ऊपर चाह रही है, पर दो लोग आके खड़े होकर डिस्कस कर रहे हैं कौन पहले पकड़ेगा। सीन लगता है, ये लाल कपड़े वाले भैया और वो पीले कपड़े वाले भैया दोनों इधर पास में आए थे, ऊपर से बॉल आ रही थी, दोनों आके खड़े होकर बॉल को देख रहे थे, भाई तू पकड़ ले तू पकड़ ले, इस चक्कर में बॉल छोड़ दिया। एवरेज किंग बोलते हैं इसको, देखो देखो आप मीटर 80 तक का स्पीड है, टॉप स्पीड है, लूना एक्सेल है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं भाई। ये मेरे नाना की राम प्यारी है, ये स्विचेस इसके अंदर भी दे रखे हैं, पता नहीं किस हॉर्न है, ये हॉर्न का है, ये साइड लाइट का है, कॉमन सी, ये डीपर है क्या? हाँ ये डीपर है, देखो ये डीपर है, यहाँ से डीपर यूज होता है, ठीक है। ये किस चीज़ का है पूरे भैया? LED भी है भाई, लाइट LED, मीटर का लाइट बंद हो जाता है, देखो यहाँ इससे मीटर का लाइट बंद हुआ वापस चालू हुआ। इसकी राइड कैसी रहेगी आपको पता है? इसका एवरेज क्या है? इसका एवरेज भाई मतलब हमारी बाइक से तो काफ़ी ज़्यादा है भाई, सच बताऊँ तो भाई मैं ना एक बार 500-600 का भरवाते हैं और घूम के आ जाते हैं। 500 के पेट्रोल में 6 दिन 7 दिन चल जाती है। कितना 500 के पेट्रोल में कितना चलेगा? हाँ एक महीना, 500 में एक महीना, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर भाई कितना, 36 है कितना चला है अभी तक? किल इतना ही चला है। बहुत बेस्ट गाड़ी है, माइलेज काफ़ी अच्छी देती है भाई। आगे दिखाओ मन कर बंद कर दे आगे। भाई पब्लिक का रिएक्शन ऐसा आ रहा है ना कुछ, मतलब मज़ा आ रहा है देख के। और फिलहाल देखो मेरा ATM भी एक्टिवेट हो चुका है, अभी फटाफट से निकलते हैं एंड वापस से छोटू चलाएगा और मैं पीछे बैठूंगा, वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। सो देखते हैं कैसी है। छोटू चला रहा है, ये देखो भाई कैसा लुक आता है आगे से, लूना एक्सल 100 कम्फर्ट, गाड़ी मस्त है। पर आवाज़ आती है भाई जो टेम्पो होता है ना, इधर से ले ली, इधर से आवाज़ आती है ना टेम्पो की, वैसी आवाज़ आ रही है। और छोटू को मतलब थोड़ा चलाना नहीं आता, सो अभी सीख रहा है, अच्छे से चलाना सीख जाएगा भाई। वैसे भी भाई हल्की गाड़ी है, कोई भी चला लेता है इजीली। एंड भाई लुक इसका देख रहे हो कैसा लग रहा है? इधर कुत्तों का ना बहुत डर रहता है, मतलब जैसे कि हम गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो बेसिकली बहुत भौंकते हैं कुत्ते। सीधा सीधा अभी घर पे आस पास आ चुके हैं, तो डर लग रहा है ये गाड़ी चला रहा है। बताना कि राम प्यारी है यार, इनका जान ना निकालते गाड़ी का। भाई चला के तो आ गया है, चलो खैर जैसे भी आया सही है।
भाई गाड़ी का ना छगड़े जैसी आवाज आती है। आने दो आने दो, पार्किंग करो। चलो भाई गाड़ी में कोई कमी नहीं है, बट गाड़ी में से थोड़ा सा टेम्पू जैसा आवाज आता है, टेम्पू होती है ना टक 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 बज रही होती है, वैसा आवाज आता है। अभी फटाफट से लॉक मारो भाई, सब कुछ लॉक करो, हैंडल वैंडल लॉक करो भाई, नाना के जिगर जाना ही है। गेट बंद कर। गोप्रो वगैरह होता है तो रिकॉर्ड करने में मज़ा आता, क्योंकि पब्लिक का जो रिएक्शन होता ना वो उसमें रिकॉर्ड होता। फिलहाल जो बाइक है ना भाई मस्त है, और मतलब देखो ये ओवर एज लोग जो होते हैं ना, जैसे कि मैं नाना हो गए, उनके लिए काफ़ी सही है। हमारे जैसे लॉन्डो के लिए सही नहीं है, हमारे लिए तो हमारी स्प्लेंडर ही सही है। कि इसका पूरा फुल एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा मैं, मतलब जैसे कि पब्लिक रिएक्शन लेंगे, अभी नहीं माउंट वगैरह आ जाने तो अच्छे से फिर बनाएंगे। अगर पब्लिक में लेके हेलमेट पहन के निकलेंगे, देखेंगे क्या रिएक्शन है। बाकी वैसे भी आज पब्लिक देख रही थी भाई, एक बार जब निकल रहे थे ना तो लोग घूम के देख रहे थे वापस, भाई ये ऐसे लोंडे ऐसी गाड़ी चलाते हैं आज भी? यस ऐसा होता है, सबके दिमाग में होता है। चलो फिलहाल चलते हैं अंदर, ठीक है।